हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो मेरे बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसा हमारा पूरा परिवार? तो देखिए, आज है नवरात्रि का सातवां दिन। तो देखिए, पूरे परिवार के साथ मिलकर हम लोग कहाँ चल दिए हैं, तो आपको बताएंगे वीडियो में आगे। तो देखिए, जहाँ हमें जाना है वहाँ पहुँच चुके हैं, मंजिल पर, जो हमारी मंजिल है वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली। तो चलिए, आपको भी लेकर चलते हैं। विंध्यवासिनी माता आए हुए हम लोग कत्री पहाड़, तो दिखाते हैं आपको और कराते हैं माता रानी के दर्शन। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, पहाड़ से नीचे की ओर, या तो फिर नीचे से ऊपर देखो, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और माता रानी के दर्शन करने से तो दिन बन ही जाता है, क्या कहने। तो देखिए, आ गए हैं। तो ये मेन गेट है फ्रेंड्स, विंध्यवासिनी माता के अंदर जाने का। और काफ़ी पीछे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, तो थोड़ी दूर पैदल चल के आना पड़ता है। और यहाँ देखिए, बहुत ही बड़ा मेला भी लगता है, बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें होती हैं, बहुत ही अच्छा सामान सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं प्रसाद माता रानी बेचारा। और देखिए, कितना बड़ा बैलून है, आप लोग भी देख लीजिए। और देखिए, हर तरह की दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। और जो दरबार है माता रानी का, उसको वो तो बहुत ही खूबसूरत है, वो क्या कहना। माता रानी का तो चाहे जहाँ भी हो, जैसा भी मंदिर हो, बहुत ही अच्छा होता है। और काफ़ी मान्यता है, यहाँ माता रानी उद्गम हुई थी यहाँ से, जो है विंध्यवासिनी माता। तो आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको दो पार्ट में करके दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंजॉय करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन हमारी वीडियो को आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए, आप लोग वीडियो को करिए एंजॉय, और मिलते हैं आपसे फिर। तो देखिए, आ गए हैं मंदिर के बाहर। विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, यहाँ पर माता रानी विराजमान है। और इसके बाद फिर ऊपर पहाड़ पर चढ़ेंगे, तो लेकर चलेंगे आपको पहाड़ पे। और वहाँ भी माता रानी, जो मेन स्थान है माता रानी का, जहाँ माँ प्रकट हुई है, वहीं ऊपर पहाड़ के ऊपर है, तो वो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी कर लीजिए माता रानी के दर्शन। देखिए, ले चलते हैं आपको मंदिर के अंदर। तो अब देखिए, जा रहे हैं ऊपर पहाड़ पर चढ़ेंगे। यहाँ 500 करके सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों से ही चढ़कर जाते हैं माँ के दर्शन के लिए। और जो मेन माता रानी जहाँ उनका उद्गम स्थान है, वो ऊपर है। तो चलिए, आपको भी लेकर चलेंगे और कराएंगे आपको वहाँ के भी दर्शन। और देखिए, यहाँ से कितना सुंदर व्यू है नीचे का, बहुत ही खूबसूरत लगता है। शाम का वक्त है। सो फ्रेंड्स, आगे का भाग आप लोगों को दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा, सेकंड पार्ट में वीडियो के। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।